बीबीसी मीडिया के माध्यम से एक न्यूज पता चला है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिर से मैच होने दोबारा जा रहा है, तो इस बात के हम खुशी मनाते हैं कि आई होप ऐसा हो, काश ऐसा हो जाए। दोस्तों खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजकल फैक्ट, मैं हूँ मोहम्मद ताजुद्दीन। आप सबके सामने एक फिर से खुशखबरी आई है, आईसीसी ने फिर एक दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर से मैच होगा, क्योंकि मैच में कुछ गलत हो गया था तो उसके लिए एक न्यूज़ बाहर निकल के आया है जो कि हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, फिर से मैच होने जा रहा है। तो देखते हैं, न्यूज़ बाहर निकल के आया है कि आईसीसी फिर से फैसला किया है कि मैच दोबारा होगा, तो आइए देखते हैं कि आइए सुनते हैं कि क्या सब कुछ सही है या ऐसी कोई फैक्ट न्यूज़ चला दिया है। तो अगर सही है तो हमारे लिए खुशी की बात है, वो आई होप कि हम वर्ल्ड कप जीत जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोला गया है उस न्यूज में। अगर ऐसा फिर से दोबारा मैच होता तो कितनी एक्साइटेड होगा बताइए, ये सब सुन के वाह। तो आई होप कि ये न्यूज सही हो और फिर से दोबारा हो। तो हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ही मेहनत किए थे मैच शुरू से लेकर लास्ट तक, और लास्ट में ऐसा हो गया, उम्मीद नहीं था, लेकिन अब क्या किया जब हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर जो न्यूज़ है सही हो जाए तो हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे भारतीय के लिए एक खुशखबरी होगा। तो चलते हैं वो वीडियो को सुनते हैं कि क्या। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उदास भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, दोबारा होने वाला टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जबरदस्त फाइनल खुद आईसीसी ने किया है सबसे बड़ा खुलासा। तो ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फाइनल मुकाबला? ऐसा क्या कुछ कहा आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की बेईमान बात बताते हुए, क्यों छीन ली उनसे ट्रॉफी, कितनी देर में शुरू होने वाला ये रोमांचक फाइनल, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा आउट थे या नॉट आउट, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों एक फाइनल, एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी हासिल की है अब हम आपको बताते हैं। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था, रोहित शर्मा नॉट आउट थे, ये बात जैसी पूरी दुनिया को पता चली करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा, और आखिर हो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। ऐसे में जब ये बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है, हालांकि इसमें सारी गलती एम्पायर्स की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और इनके विकेट को थर्ड एम्पायर द्वारा कैच नहीं करवाया गया, इस कारण ही रोहित आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यहां कोई भी नियम नहीं तोड़ा है, ऐसे में एम्पायर के खिलाफ अब न केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है, बल्कि अब तो ये सुनने में भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है, बीसीसीआई पूरी तरीके से प्रेशर बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीन कर ये मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए एम्पायर्स के साथ ये फाइनल दोबारा शुरू हो सके। तो दोस्तों यदि बीसीसीआई की ये कोशिश काम आ जाती है, वो आईसीसी को मना लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं, तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित कर सकता है। हालांकि ये कब और कहां किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन दोबारा ये मुकाबला होने की खबर सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई, क्योंकि छोटी सी ही सही लेकिन एक बात फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहां तक कि पूरी टीम इंडिया भी खुशी से झूम उठी है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहां तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं, यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता, भारतीय सेंटीमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए, हम पूरी तरीके से आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित करने का विचार भी कर रही है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जल्द सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ चुकी है।
आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था, और जब हम फाइनल में पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं, गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में कि पूरा गेम पलट गया और भारत हार गया। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो गेंद ट्रेविस हेड के हाथ में चली गई। लेकिन जरा बारीकी से देखिए ये कितना ज्यादा क्लोज कॉल वाला कैच था, और दोस्तों गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर रगड़ चुका था, उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए, वो अनजान थे, लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, हम 240 पर ऑल आउट हो गए, और उसे चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं, ट्रेविस हेड ने ही शतक जड़ दिया और अपने देश को जिताकर हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों जिस कदर ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी ना, अब उस पर तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मैच करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉन्टिंग ने कहा, देखिए जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, अब वो ट्रेविस हेड का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ने के बाद बताया नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में बात करना बेतुके के अलावा और कुछ नहीं, सबको ऑस्ट्रेलिया की जीत को स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही सच है। तो वही दोस्तों ब्रेटली और एडम गिलक्रिस्ट जैसे सॉफ्ट हार्टेड खिलाड़ियों का कहना था ये सरासर गलत है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आप मजबूत है तो मजबूती से जीत कर दिखाइए, इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़े वो कैच हो ही ना और अगर पता ना चले तो आप उसे बताए ना, इस तरीके से जेंटलमैन्स गेम तो रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है तो अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वहीं दोस्तों शेन वॉटसन ने भी कहा, ट्रेविस हेड अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था, वो आउट दिए जाते ना दिए जाते वो उनकी किस्मत थी, हम हारते या जीते वो हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती तो की है जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों मैथ्यू हेडन का भी कहना था, हार और जीत खेल का हिस्सा है, भारत हारा है और हम जीते हैं, अब किस खिलाड़ी ने कहां कैच पकड़ा, किसने कितने रन बनाए, कितनी बाउंड्रीज लगे और किसने मैच को जिताया, इस सब के बारे में बात करने का कोई मसला नहीं बनता और मैच दोबारा हो ही नहीं सकता। दोस्तों कुछ दिग्गज भारत के साथ हैं तो कुछ अपने देश की पैरवी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं गलती को भी, लेकिन दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था, भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे लेकिन इसे डिफेंड करते हुए समी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा, लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यॉर्कर डालकर मानस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा ने हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते हैं एक बार फिर उन्होंने नॉट आउट दिया, यहां तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता क्योंकि अंपायर कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए थे जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे, अंपायर कॉल की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े थे और अब ऑस्ट्रेलिया के जब नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया और अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और साफ तौर पर आउट हो जाते, लेकिन अंपायर ने जब खुलेआम यह हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूटना लाजमी ही है। यह घटना भी उस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, कैप्टन कूल ने कहा कि यह तो केवल एक ऐसा मामला था, ऐसे कई दफा मैटर सामने आए हैं जब अंपायर ने टीम इंडिया का साथ ही नहीं दिया, यदि मैं चाहूं तो सबूत के साथ सब कुछ दुनिया के सामने रख सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है यह पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी, यदि स्कोर बोर्ड पर 30-40 रन और होते तो हम यह मुकाबले को बचा सकते थे, और अब किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे केवल विवाद बढ़ेगा, मैच का रिजल्ट तो बदलेगा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी इसी तरीके से हार को पचाने का प्रयास करें और आगे भविष्य पर ध्यान दें।
क्योंकि यह दर्द तो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं भी जानता हूं कि हमें मान लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत का साथ तो सभी को मिलता ही है, उन्हें भी अंपायर और किस्मत के साथ थोड़ा सा मिला और वह जीत गए। मैं खुद निराश हूं, लेकिन मैं किसी और की खुशी खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों सच में धोनी ने तो अपने बयान से हर किसी को हैरान करके रख दिया। उन्होंने भारतीय फैंस से अपील की है कि वह अपनी हार को स्वीकार कर लें और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश करने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बेईमानी तो हुई है, यह बात तो साफ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या अंपायर की बेईमानी की वजह से मुकाबला हारी है? कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर पूरी तरीके से गुस्सा गए हैं एमएस धोनी, और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले, और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों केएल राहुल भी 66 रन बनाकर गए लेकिन 107 गेंदों में। भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी। और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं पढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। तो दोस्तों आपने देखा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने गलत किया है या नहीं, और मैच दोबारा होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।